जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक अपडेट में। एक बहुत ही शानदार खबर है, जीवन प्रमाण पत्र पर बड़ा अपडेट। चिंता की बात नहीं, काम हुआ आसान। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश हुए जारी। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वर्ष पर स्थानांतरित हुए पेंशनरों के द्वारा नवंबर 2022 में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ऐसे सभी रक्षा पेंशनर्स जिनका पेंशन खाता इस वर्ष पर स्थानांतरित हो गया है, उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी जाती है। सर्वप्रथम वह इस कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर माइग्रेशन स्टेटस के माध्यम से अपना आधार और पैन संबंधी जानकारी प्राप्त कर लें। उसके उपरांत जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करें। कौन सी है प्रक्रिया, क्या है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला जो दिशा निर्देश है वह है स्पर्श पर स्थानांतरित ऐसे सभी पेंशनर्स जिनका आधार स्पर्श पर उपलब्ध है, वे जीवन प्रमाण पोर्टल पर स्पर्श का PPU नंबर दर्ज कर और PDA के रूप में स्पर्श को चुनकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि DLC प्रस्तुत कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, स्पर्श पर स्थानांतरित ऐसे सभी पेंशनर्स जिनका आधार स्पर्श पर उपलब्ध नहीं है परंतु उनको स्पर्श पोर्टल के प्रयोग हेतु लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त हुआ है, वे सभी स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके MLC के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है, मैं आप सब लोगों को बता दूं। उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग सैनिक अपडेट न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सैनिक अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सैनिक अपडेट पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। स्पर्श पर स्थानांतरित ऐसे सभी पेंशनर्स जिनको स्पर्श पोर्टल के प्रयोग हेतु लॉगिन ID और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे सभी पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र अपनी बैंक की शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा वे स्पर्श पर स्थानांतरण के पूर्व करते थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सैनिक अपडेट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।